चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से, कोरोना के लिए सरकार की तैयारी। तो कोरोना काल हालांकि निपटने की पूरी तैयारी कर रहे हैं प्रशासन स्तर पर, तमाम तरीके की तैयारियां कोरोना से निपटने के लिए की जा रही हैं। अब कोरोना के लिए सरकार की तैयारी है, प्रदेश के 4 लाख हेल्थ वर्कर को वैक्सीन पहले मिलेगी, रेवेन्यू पुलिस समेत अन्य लोगों को बाद में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन की जनवरी 2021 तक आने की संभावना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में निर्णय लिया है। जिले के वरिष्ठ प्रभारी अधिकारियों के लिए तैयारियों के आदेश दे दिए हैं। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है, प्रदेश में 4 लाख हेल्थ वर्कर को पहले वैक्सीन मिलेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता अंकुर अधवर्यू जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, कोरोना के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है, प्रदेश के 4 लाख हेल्थ वर्कर को पहले कोरोना की वैक्सीन मिलेगी, बाद में जो है रेवेन्यू पुलिस समेत अन्य लोगों को बाद में ये वैक्सीन दी जाएगी, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कोरोना काल चल रहा था और इस कोरोना काल के बीच में एक अच्छी खबर यह मिली है कि जनवरी 2021 तक कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की गई और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जैसे ही वैक्सीन आती है सबसे पहले जो मानव सेवा में लगे हुए हैं, कोरोना में सबसे ज्यादा काम करने वाले हेल्थ वर्कर के, प्रदेश भर के 4 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर, सबसे पहले जैसे ही वैक्सीन आती है उनको दी जाएगी, क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं और कई सारे हेल्थ वर्कर कोरोना से संक्रमित भी हो चुके हैं। इसलिए सबसे पहले जो वैक्सीन होगी वह हेल्थ वर्कर को दी जाएगी, उसके बाद रेवेन्यू राजस्व विभाग के लोगों को, पुलिस विभाग के लोगों को दी जाएगी और उसके बाद अन्य लोगों को दी जाएगी, क्योंकि एकदम से जो वैक्सीन आएगी तो जो मात्रा होगी एकदम इतनी ज्यादा तो होगी नहीं कि पूरे प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों को एक साथ वैक्सीन दी जाए, और ये देना भी संभव नहीं है। अगर भी आ जाए तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी, उसके बाद राजस्व विभाग के लोगों को दी जाएगी, उसके बाद पुलिस को और अन्य लोगों को दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल समीक्षा बैठक की और सभी जिले के अधिकारियों को भी एक निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपने अपने हिसाब से इसकी पूरी तैयारियां कर लें, बैठकें कर लें और किस तरह से वैक्सीन जब आती है तो कैसे दिए जाना है, क्या करना है, किन को दिया जाना है, कौन प्राथमिक रहेगा, ये तो बता ही दिया गया है। उस हिसाब से पूरी तैयारियों के निर्देश भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दे दिए। जी बिल्कुल, जनवरी तक जो है वैक्सीन आने की संभावना है और इसके पहले निर्देश दे दिए गए, प्राथमिकता किसको दी जाएगी। लेकिन वहीं अगर हम फिलहाल कोरोना के आंकड़ों की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजधानी भोपाल की बात करें, तो क्या कुछ आंकड़े अभी वर्तमान में है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो क्या स्थिति? कि बिल्कुल, मैं आपको पूरे मध्य प्रदेश के आंकड़ों की बात करूं तो सबसे पहले तो लगभग 2.25 लाख, 1,75,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, 1,63,000 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं, 7,000 के करीब लोग अभी भी संक्रमित हैं और 450 मौतें हो गई हैं। आज की अगर बात करें तो 180 केस राजधानी भोपाल में निकले हुए हैं, पिछले 24 घंटों में बात करें तो 5 मौतें प्रदेश भर में हुई हैं। लेकिन ये बात अच्छी है कि रिकवरी काफी अच्छा है, लोग अवेयर हुए हैं, तो इस वजह से कोरोना के जो आंकड़े राजधानी भोपाल में ही 300 से ऊपर पहुंच रहे थे, अब वो 200 के अंदर ही हैं, 150, 135, 140, 170, 200 के अंदर ही आंकड़े हैं। थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों में आई है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा था सरकार लगातार जागरूक कर रही थी, उसके बाद अब राजधानी भोपाल में और प्रदेश भर में अवेयरनेस तो उसमें आई है। जी, वहीं स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की अभी फिलहाल क्या कुछ स्थितियां, जिस तरीके से जानकारी है कि 53% मरीज होम आइसोलेशन में है, बाकी 17% मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कोरोना का इतना ज़्यादा संक्रमण बढ़ गया था कि अस्पतालों में जगह नहीं बची थी, अस्पतालों में लोगों को भर्ती नहीं किया गया था। तो ऐसे में जो कोरोना से संक्रमित साधारण मरीज हैं उनको होम आइसोलेट किया गया था, लेकिन जिनको वाकई में गंभीर हालत थी, ऑक्सीजन में रखना था, ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। फिलहाल स्थिति पहले की अपेक्षा काफ़ी कह सकते हैं ठीक है, नियंत्रण में है, क्योंकि जिस तरह से बीच में कोरोना एकदम से अगस्त और सितंबर माह में और बढ़ा था, उसके बाद लगातार ये अंदेशा लगाया जाता है कि अब और ठंड का मौसम आ रहा है तो पीक पे आया है, लेकिन ये अच्छी खबर है कि धीमे धीमे ये काफ़ी कंट्रोल में है और सरकार की तरफ से भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। कई सारे प्राइवेट अस्पतालों में भी अब इसका इलाज हो गया है, क्योंकि पहले कुछ गिने चुने ही सेंटर होते थे, लेकिन अब जो लोग अपने स्वेच्छा से प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराएं तो वहां भी करा सकते हैं, और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पहले की अपेक्षा स्थिति अब ठीक है। पूनम जी, अंकुर जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल कोरोना के लिए, कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने तैयारी अपनी पूरी कर ली है, जिस तरीके से वैक्सीन आने का इंतजार सभी को है, जनवरी 2021 तक वैक्सीन आने की संभावना है, और इससे पहले सरकार ने अपनी तैयारी कर ली है। पहले हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन मिलेगी, बाकी को बाद में दी जाएगी। 4 लाख हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन पहले देने का निर्णय यहां पर सरकार की तरफ से लिया गया।